इसकी लाश को गर्दन काट के, गर्दन काट के सर कहाँ पटका ये कुछ पता नहीं, रेल की पटली पे लाश को डाल दिया। और तीन दिन तक ये लोग बेचारे ये ढूंढते रहे। पहली गोली तो लगी उमर के सीने में के पार हो गई, दूसरी गोली लगी ताहिर के, ताहिर के यहाँ की निकली वो सीना बच गया, तो उमर तो वहीं ख़त्म हो गया, ये ताहिर निकल के भाग गया। और ये जब्बा जो था ये ड्राइवर, ये इधर के निकल के अंधेरा का फ़ायदा उठाकर ये इधर से निकल गया। ताहिर जब आगे निकला तो ताहिर के बट मारी उसकी बंदूक की, तो ताहिर गिर गया। जब ताहिर नीचे पड़ा था तो उन्होंने ऐसे बंदूक लगाई यहाँ पेट पे उसके, तो उसने एक आदमी ने कहा रहे राकेश ये तो क्यों मारे, मरा ये तो मर चुका। राकेश मारने वालों उस राकेश के कहने पे ही ये नामजद हुए हैं। के मुकदमे में तो 90 दिन से पहले जमानत ही नहीं है, बेल ही नहीं मिलती, और उनको 60-70 दिन में उन लोगों को बेल मिल गई थी, 2 महीने 10 दिन में बेल मिल गई थी उन लोगों को। मैंने कही गा लिया दूध पी लू बाड़ा खंड चा पानी पक जा करेगो, झटू चलोगो झट चलोगो वहाँ गोवनगढ़ में, सारा दिन ढूंढो भाई सारा रात ढूंढो। अच्छा। कोई रिश्तेदारी आ गई काम खट्टो होगा सु ढूंढ फिरा, जब पता लगी तो इसको हूं एक लाश गोवनगढ़ में मारी है, गोवनगढ़ से मार कर रेल की पटली पर डाल आया हुआ है। नु कही अक ये गाले जा रहा ब्याई बहन ओन लू तो अच्छा गाले जा रहा ब्याई गाल जा मन कहन बच्चा के ले ले जा रहा हूं मैं, झट गोली मार झट जा बेचारा। से पिताजी गए उस दिन से दादा दादी तो बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गए, मम्मी भी दादा दादी भी